हे बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका पोकेमॉन शाइनी गोल्ड सिग्मा के एक और पार्ट में। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि हमने कोगा एंड विल को डिफीट किया, जो कि दो एलाइट फोर के मेंबर हैं, एंड हम आ चुके हैं अपने तीसरे मेंबर के पास। एंड सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो चलिए, लेट्स बैटल ब्रूनो। सो I'm Bruno of the Light Four. I always train to the extreme because I believe in our potential. That is how we became strong. Can you withstand our power? I see no fear in you. You look determined, perfect for battle. Ready, Manoj? You will bow down to our overwhelming power. Ho-ha! Okay, so here's the third battle, the Light Four. And hit mon top. Okay, मैंने एलेक्जाम को पहले ही आगे कर दिया था। और यहाँ पे सैंडस्टॉर्म रेज कर रही है, जो कि हमें दिक्कत देगी। ओके, सो लेट्स गो विथ साइकिक या डेजलिंग बीम। ओके, डेजलिंग बीम। तो पहले हम अपनी पावर को डबल कर देते हैं, सीधा मेगा इवॉल्व कर देते हैं और डिटेक्ट। वाह भाई साहब, ये मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हल हो जाती है। फाइटिंग टाइप के पास लगभग लगभग डिटेक्ट होता है सबके पास, आई थिंक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो साइकिक, फिर डिटेक्ट। क्या कर रहा है ये? चलो कोई नहीं, एक और डेजलिंग बीम। अब परशु इसको डार्क टाइप मूव भी हैं, जो कि हमारे ऊपर सुपर इफेक्टिव है। और जो हमारे पास मूव है वो इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव है। वन हिट, दैट्स ऑसम। ओके, अलकाजम ग्रो टू लेवल 56, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। हिटमॉन ली तो मैं स्विच कर रहा हूँ फिलहाल। लेट्स गो विद ड्रैगनाइट, आगे के लिए भी सेव करना है हमें कुछ ना कुछ तो। और ये 56 लेवल का है। ओके, ओके, लेट्स गो विद विंग अटैक। हाँ, विंग अटैक और क्लोज कॉम्बैट है इसके पास। इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव। और ये वन हिट, दैट्स ऑसम। वन हिट तो करना ही चाहिए यार, इतने पावरफुल तो हम भी हैं। माचन हम स्विच नहीं कर रहे अभी फिलहाल। माचन 57 का है। ओके, माचन उसका सबसे स्ट्रांग पोकेमॉन होना चाहिए आई थिंक, या इससे स्ट्रांग भी कोई होगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस। चलो लेट्स गो विद विंग अटैक अगेन। वन हिट। अरे थोड़ा सा बचा है यार, और रॉक स्लाइड हम पे सुपर इफेक्टिव हो सकती है। हो गई, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला खेल है। मेरे पास और किसी पोकेमॉन के पास फाइटिंग टाइप, मतलब फाइटिंग टाइप के लिए वो नहीं है। ओके, लेट्स गो एलेक्जाम। माचैम स्नो गार्ड। ओके, यहाँ पे ये मेरे हिसाब से हाइपर पोशन या मैक्स पोशन यूज कर सकता है। हाँ करेगा आई थिंक। नहीं, तो कुछ और भी है। सीट्रस बैरी, ओके, नहीं करे तो हमारे लिए अच्छा है, बाकी तो हम ओके नहीं किया। चलो बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया। हिटमॉनचैन विल नॉट स्विच। ओके, सैंडस्टॉर्म हम दोनों को दिक्कत देगी। और इसके बाद लेफ्ट ओवर्स है। चलो ये थोड़ी सी मुसीबत है हमारे लिए। साइकिक, एक हिट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
लुकारियो के, लुकारियो के लिए मैं स्विच कर सकता हूँ टाइफ्लोजन में। अब इसके बाद दो पोकेमोन और है। ओके लेट्स गो विद फायर पंच, वन हिट कर दे तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं किया। अभी मैक्स पोशन फिर यूज करेगा यार। शायद लुकारियो बफ ना हो, मुझे लगा ही था लुकारियो बफ ना होगा। ओके इसके बाद भी लेफ्ट ओवर है, लेट्स यूज फ्लेम व्हील। फ्लेम व्हील भी अच्छा खासा डैमेज दे जाए तो फिर मेरे लिए मजा बढ़िया हो जाएगा, मतलब। ओके बहुत ज्यादा बढ़िया डैमेज है। ओके एक और फ्लेम व्हील, हमारा काम हो जाएगा यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। ओके टाइफ्लोजन आल्सो ग्रो टू लेवल 56 एंड लास्ट पोकेमोन है इसका ऑनिक्स, सो वी शुड गो विद क्वैक्सायर, ये सही रहेगा। क्वैक्सायर ऑनिक्स ले तो अच्छा ही रहेगा। और 53 लेवल का है, कोई इतना खास लेवल नहीं है ऑनिक्स की, तो नो नीड टू वरी। लेट्स गो विद सर्फ अर्थक्वेक, ओके ये हमें दिक्कत दे सकता है। चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, कुछ भी दिक्कत दे दिया एक्चुअली। एंड लेट्स गो, चलो बहुत बढ़िया। एंड वी डिफीटेड ब्रूनो, दैट्स इट, यू हैव बीटन मी इवन आफ्टर एक्सट्रीम ट्रेनिंग, यू आर अ टफ ट्रेनर मनोज, हैविंग लॉस्ट आई हैव नो राइट टू से एनीथिंग, गो फेस योर नेक्स्ट चैलेंज। इसने मूवमेंट उल्टा दिया। एंड ये है फाइनल एलाइट फोर मेंबर, और ये शायद एक गोस्ट या डार्क टाइप पोकेमोन यूजर हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम सुपर पोशन, ओके एक और सुपर पोशन दे देते हैं। चलो एक सुपर पोशन हम देते हैं क्वैक्सायर को, और एक सुपर पोशन हम देते हैं हमारे टाइफ्लोजन को। एंड रिवाइव लेट्स गो। देखो डार्क टाइप हुआ तो मैं अलग एग्जाम दिक्कत में डाल देगा हमें, और अगर गोस्ट टाइप हुआ तो फिर अलग एग्जाम बढ़िया रहेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं। चलिए लेट्स बैटल। आई एम कैरिन ऑफ द एलाइट फोर, यू आर मनोज, हाउ अम्यूजिंग, आई लव डार्क टाइप पोकेमोन, शिट यही मुझे लगा था कि डार्क ना हो। चलो अब क्या कर सकते हैं। आई फाइंड द वाइल्ड टफ इमेज टू बी सो अपीलिंग एंड दे आर सो स्ट्रॉन्ग, थिंक यू कैन टेक दम, जस्ट ट्राई टू एंटरटेन मी, लेट्स गो लेट्स गो। ओके लाइट फो कैरन एम्ब्रियन, पहले ही पोकेमोन ऐसा जो अलगेजम को मिट्टी में मिला सकता है। ओके लेट्स गो डैजलिंग ग्लीम, डैजलिंग ग्लीम शायद इन पे सुपर इफेक्टिव हो, है बट लेस, बहुत कम डैमेज है, बहुत कम डैमेज है। ओके अलगेजम बिकम कंफ्यूज, बट लेट्स सी कि हमारा काम हो जाए। नहीं हुआ नहीं हुआ भाई नहीं हुआ। चलो भाई तब अलकाजम तो ये मिट्टी में मिला गया। ओके मेरे का क्लोज कॉम्बैट, और अच्छा डैमेज है, बहुत अच्छा डैमेज है, और साइकिक से हम भी नहीं बच पाएंगे, नॉट
नॉट पॉसिबल। ओ बच गया बच गया भाई बच गया, एक और क्लोज का मैट। उसके पास फुल रिस्टोर भी है। ओके वन हिट वन हिट वन हिट नहीं ये करेगा, यही तो तकलीफ है। लेट्स गो ठंडा पंच वैम्प्लूम। वैम्प्लूम डार्क टाइप है, आए मेरे को नहीं पता है वैम्प्लूम एक डार्क टाइप है यार, कैसा पोकेमॉन है आई डोंट नो। ओके क्लोज कॉम्बैट भी इस पर अफेक्टिव ही नहीं है। पैटल डाउन शायद हमें निपटा दे या नहीं, हाँ निपटा दे। चलो लेट्स गो टाइफ्यूजन। लेट्स गो फायर पंच। चलो बहुत बढ़िया। टायर एंड हिटार। ओके लेट्स गो क्विक सर। ये डार्क एंड ड्रॉप टाइप है टायर एंड हिटार, और इसके पास सेंस स्ट्रीम होगी। हाँ सेंस स्ट्रीम। ये लेवल 59 का है यार, बहुत ज़्यादा लेवल है इसकी। चलो लेट्स गो अर्थक्वेक। ओके उसके पास भी अर्थक्वेक है, हमारे पास भी अर्थक्वेक है। लेट्स सी किसको कितना डैमेज होता है। चलो उसको ज़्यादा डैमेज हुआ, ये अच्छी बात है। अब मैं सर्फ यूज़ करूँगा, सर्फ भी इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो लेट्स गो विद सर्फ। ड्रैगन डांस ओके। अटैक एंड स्पीड रोज होती है इससे। अबे सुपर इफेक्टिव पर कोई डैमेज ही नहीं है, ये तो भाई गलत बात हो गई। कभी कभी मेरे को समझ नहीं आता है कि सुपर इफेक्टिव चीजों चीज भी डैमेज बहुत कम क्यों करती है। बहुत बढ़िया। एंड क्वैक्सा ग्रो टू लेवल 56। अम्ब्रियन फिर से तो मैं स्विच नहीं कर रहा हूँ अभी। एंड ये एम्ब्रियन को बफ्ट कर जाएगी सैंक्शन। लेट्स गो विद सर्फ बट मैक्स पोशन। ये हमारे लिए नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इससे। कोई मतलब लगभग ना के बराबर डैमेज है। ओके आइस रॉक स्मैश है अभी हमारे पास, तो कंफ्यूज रहे। कुछ कर नहीं पाया हम ज़्यादा हम भी का, और वो हमें पूरा ही डैमेज दे दी गई है। चलो क्रिटिकल हिट दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। हॉन्डूम हॉन्डूम एक फायर टाइप, अगर फास्ट निकला तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो एक सर्फ तो मैं मार ही सकता हूँ। और लेवल 60 का है कजा। चलो किस्मत का खेल है, एक अर्थक्वेक या नहीं वो फास्ट है। चलो लेट्स स्विच टू ड्रैगनाइट। ओके वाटरफॉल क्रंच। चल और वन हिट होने वाला था, बच गया यार, एक जरा सा बच गया, बट सैंडस्टॉर्म से ले जाएगी। चलो बहुत बढ़िया। और लास्ट है डस्कनोर। डस्कनोर एक गोस्ट एंड डार्क है आई थिंक। अभी दो पोकेमॉन है भाई,
मुझे लगा ये लास्ट होगा। ओह लॉर्ड सो विद फायर पंच। ओके नो डैमेज आई डोंट, ना उसका हमें डैमेज होगा ही होगा। ओके उसके पास लेफ्ट ओवर्स भी है, हम फायर पंच यूज कर सकते हैं। और कोई तो हमारे को मूव है नहीं जो डस्ट नॉल को निपटा पाए। एक क्रिटिकल लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा इस बार, पर क्रिटिकल के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अरे यार थोड़ा सा बच गया। डेस्टिनी पॉइंट मेरे हिसाब से लगता हूँ जाएगा तो नहीं, इससे चला गया तो फिर हमारा टाइफ्रोजन भी चला जाएगा बेचारा। कोई नहीं गया, नहीं गया, चलो बच गया। ओके लेट्स गो, अरे शिट नेक्स्ट पोर्शन। फायर बर्न से तो फ्लेम फ्लेम व्हील ज्यादा डैमेज दे रहा है। लेट्स सी व्हाट ड्रैगनाइट कैन डू। चला जा भाई, चलो बढ़िया। एंड ड्रैगन एग ड्रू लेवल 56, ये भी अच्छी बात है। हंच क्रो, ओके आई डोंट नो लुकारियो उसको सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, बट ये 59 का है तो हमारे पास थंडर पंच भी है एंड दैट्स मेगा एवोल्व। ओके ओके काफी अच्छा डैमेज है। एंड हंस क्रोज ग्रोइंग ग्लोइंग, इसमें हम इसको निपटा सकते हैं। इसमें वो कुछ ना हील कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा, तो ये हमारा बहुत बढ़िया चांस है हंस क्रो को फिनिश करने का। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लुखारियो, बहुत बढ़िया। Well, aren't you good? I like that in a trainer. Thank you. Strong Pokemon, weak Pokemon. That is only the selfish perception of people. Truly skilled trainer should try to win with their favorites. I like your style. You understand what's important. Go on, the champion is waiting. Thank you, but हमारा वीडियो आज का बस यहीं पे एंड है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।